लाल सागर में यमन के आतंकी संगठन हुती का आतंक इस कदर फैला है कि इस इलाके से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हर सेकंड ये खतरा मंडराता रहता है कि कब और कहां से उनके ऊपर ड्रोन या मिसाइल आ गिरे। यहां तक कि लाल सागर से लेकर अरब सागर और एडन की खाड़ी में भी ये खौफ फैल चुका है। खुद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के जहाज इस इलाके में सुरक्षित नहीं है और मजबूरी में अमेरिका और ब्रिटेन अपने मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए आगे आगे लाल सागर में चल रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। हुती ने एक बार फिर से लाल सागर में अमेरिका के दो युद्धपोतों पर बहुत बड़ा हमला किया है। हुती का कहना है कि अमेरिका ने इन दोनों युद्धपोतों पर कई नौसैनिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। खुद हुती के प्रवक्ता यहा सारी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बड़ा बयान दिया है। استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وقد تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها ضد كافة الأهداف المعادية وذلك استجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا العظيم। वही दूसरी तरफ अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने इसी दौरान हुती द्वारा दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिकी युद्धपोत ने 3 एंटी शिप मिसाइल और 3 बमों से लदी ड्रोन बोट को तबाह कर दिया। इसको लेकर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जहाज पर कोई घायल या नुकसान नहीं हुआ है। मिसाइलें और ड्रोन्स को यमन के भीतर हुती के नियंत्रण वाले इलाकों में चिन्हित कर लिया गया था। सेंटकॉम बलों ने मिसाइलों, ड्रोन और यूएसवीज को चिन्हित कर लिया था जो मर्चेंट जहाजों और इलाके में अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा थे। वहीं इसी बीच हुती ने अमेरिका के इन हमलों को लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। हुती ने ये नहीं बताया है कि जनवरी 2024 में अमेरिका की अगुवाई में शुरू हुई एयर स्ट्राइक्स में उसे कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हुती का ये जरूर कहना है कि इन हमलों में उसके 22 लड़ाके मारे गए हैं। आपको बता दें कि हुती के इन हमलों का असर अब भारत के समुद्र के आसपास भी दिखने लगा है। 4 मार्च 2024 को हुती ने लाइबेरियन झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था। यह हमला एडन की खाड़ी में हुआ था। हुती ने इस जहाज के ऊपर ड्रोन से हमला किया था जिसके जवाब में भारतीय नौसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज भारत के तट से करीब 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर दक्षिणी एडन से गुजर रहा था। तभी हुती ने एक ड्रोन हमला किया था और उसके बाद भारतीय नौसेना का INS कोलकाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। बड़ी बात यह है कि इस मालवाहक जहाज में 23 लोगों का क्रू था जिसमें से 13 क्रू मेंबर भारत के थे। भारतीय नौसेना के जवानों ने इस जहाज पर पहुंचकर तुरंत आग बुझाने का काम किया था। इसके अलावा एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम भी इस जहाज पर पहुंची थी।